अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरहम। और मैं हूं मिनाल। आप देख रहे हैं बच्चों का मॉर्निंग शो सुबह मुबारक। क्या हुआ, क्या टेंशन है? आज मैथ्स का टेस्ट था और मैंने तैयारी ही नहीं की। वो क्यों? वो पूरा दिन में खेलता रहा और सोचा शाम को पढ़ लूंगा। शाम को अम्मी अबू शॉपिंग करने चले गए तो मैंने भी बहुत जिद की, मैंने भी जाना है। हालांकि अबू कह रहे थे मत जाओ, टेस्ट की तैयारी कर लो, पर मैंने किसी की ना सुनी और चला गया। फिर क्यों गए जब पता था मैथ्स का टेस्ट है? मज़ा बहुत आया, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ मैं? सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूँ। नहीं। क्यों? अगर तुमने टेस्ट की तैयारी नहीं की तो छुट्टी क्यों कर रहे हो? चलो फिर ऐसा करते हैं, टीचर से झूठ बोल दूंगा कि मैं बीमार हो चुका हूँ। एक टेस्ट की तैयारी ना होने से झूठ बोलोगे? और क्या करूँ? तो टीचर को जाके सॉरी बोलो और कहो कि मैं कल टेस्ट दे दूंगा। लेकिन अगर टीचर ने डांटा तो? लेकिन वो डांटेंगी भी और खुश भी होंगी कि आपने उनको सच सच बताया है। वैसे सही बात की है तुमने, थैंक यू मिनाल। वैसे तो मेरे दोस्त कहते हैं झूठ बोल दो, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे सही एडवाइस दी है। लड़के तो होते ही ऐसे। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश होता है तो आप टीचर के साथ झूठ मत बोलें, बल्कि सबको जाके सच सच बता दें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो तो आप अपना टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल? हाँ टाइम टेबल, जैसे हर चीज का टाइम डिवाइड करना होता है। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेलना है तो खेलने का भी एक टाइम होता है, खाने पीने का भी सारा टाइम, आपको प्रॉपर सोने का भी टाइम होता है। ये सही बात कह रही हूँ, लेकिन टाइम टेबल अब कौन फॉलो करे? करना चाहिए ना, एक दफा बस आदत डाल लो तो फिर खुद ही रूटीन बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। चलें दोस्तों अब आप भी प्रॉमिस करें कि आज से मैं भी और आप भी अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो अब आते हैं अपने शो की तरफ। बिल्कुल, मगर पहले हम अपने दोस्तों का फीडबैक देखेंगे। पहला मैसेज आया है अब्दुल वहाब का कोयटा से। वो कहते हैं कि मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ और आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो जब आप बावर्ची बच्चे का सेकेंड सीजन शुरू करेंगे तो क्या मैं भी उसमें आ सकता हूँ? क्यों नहीं अब्दुल वहाब, आप ज़रूर आ सकते हैं। हम बहुत जल्दी अपना सेकेंड सीजन स्टार्ट करेंगे, आपको ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू आपने हमें फीडबैक दिया। दूसरा मैसेज है रोहान का गिलगित से। रोहान कहते हैं और मैं भी जान की तरह मैं भी हूँ 5 साल का। हाउ क्यूट। और उन्होंने ख्वाब देखा है कि जान के साथ स्कूल में वो इकट्ठे एडमिशन लेते हैं और उनका कहना है मुझे भी जान से मिलना है, क्या मैं जिंदगी में कभी उससे मिल सकूंगा? इतना छोटा है और इतनी भरी भरी बातें कर रहा है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बुलाएंगे जान से मिलवाने के लिए। और अब वक्त है हमारे गेस्ट से मिलने का। और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट और फुटबॉल खेलती है। तो तालियों के साथ वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का आयजा काशिफ। आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पर आकर? आपका शो बहुत प्यारा है। थैंक यू। और यहाँ तो बैट और बॉल भी है और विकेट भी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा है इनका आते साथ पहले देहात तो बैट बॉल पर ही पड़ा है। वो क्यों? क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है। आयजा भी, आप बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग करती हैं? मैं बॉलिंग करती हूँ। वाओ, अच्छा तो आप कौन सी बॉलर हैं? मैं स्लो राइट आर्म बॉलर हूँ। वाओ, वैसे आपका फेवरेट बॉलर कौन है पाकिस्तान की टीम में से? हसन अली। वाओ, वो तो बहुत अच्छे बॉलर हैं। वो मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरे रिलेटिव भी हैं। हसन अली आपके रिलेटिव हैं? जी। वैसे आपने उनसे इंस्पायर होकर क्रिकेट शुरू की या किसी और से? मैं क्रिकेट तो बहुत देर से खेलती आ रही हूँ, अब 6th क्लास से, लेकिन मेरा फेवरेट हसन अली है, लेकिन मैं इंस्पायर इमरान खान से हूँ। जी वो तो वाकई में क्रिकेट के हीरो हैं। अच्छा आपने क्रिकेट खेलने शुरू किधर की, स्कूल में या जैसे लड़के या लड़कियाँ गली मोहल्ले में खेलती हैं? मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। आयजा भी आपको पता है मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, मैं तो काफ़ी अच्छा खेलती हूँ, लेकिन
मेरी बस ये कोशिश है कि मैं टीम में सेलेक्ट हो जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मिडिल बहुत अच्छा खेलती हूँ। आप क्या अच्छा खेलती हैं? मैं अटैकिंग में ज़्यादा अच्छी हूँ। वेरी गुड। वैसे आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स में से फेवरेट फुटबॉलर कौन है? वैसे तो सबका रोनाल्डो है, लेकिन मुझे मेसी भी ज़्यादा पसंद है। हैं? मुझे भी। लाइनल मेसी मेरा भी फेवरेट फुटबॉलर है। वैसे फ्रेंड्स, आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? ये आप हमें अपना फीडबैक देके बताएं। वैसे जब भी मैचेस होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के या तो फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो आप घर में सारे शौक से देखते हैं कि खाली आप ही? सबसे ज़्यादा शौक से घर में मैं देखती हूँ, लेकिन जब सारे बैठ के देख रहे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा शौक़ नहीं है क्रिकेट का, तो ज़्यादातर मुझे ही शौक है तो मैं ही अकेली बैठ के देख रही होती हूँ। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? बाकियों को नहीं शौक क्रिकेट का? हम तीन बहन भाई हैं। मेरे भाई को भी शौक है, लेकिन वो तो ऐसे है जैसे उसे पता ही नहीं होता कि लास्ट में कौन जीता है और कौन हारा। अच्छा, वैसे आप हमें ये बात बताएं, क्रिकेट और स्पोर्ट्स को तो आपने टाइम देना ही होता है, पर मगर दिन में आप पढ़ाई को भी टाइम देती होंगी, और कितना देती हैं? पढ़ाई अपनी जगह है और स्पोर्ट्स अपनी जगह। जब पढ़ाई हो रही होती है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, और जब स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स। और एक दिन में पढ़ाई को तकरीबन 2 घंटे देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं ना, आप ही की बात, अभी हमने आपको बताया भी है कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए हर चीज़ का। वैसे आप हमारी वुमेन टीम के क्रिकेट मैचेस देखती हैं? जी, देखती हूँ। तो आप पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम में से भी कोई पसंद है? जी हाँ, मुझे पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो कैप्टन सना मीर है, वो मेरी फेवरेट है। चलें, आप भी, हम भी आपको किसी दिन ग्राउंड में देखेंगे एज अ वुमेन टीम कैप्टन। तो क्यों ना दोस्तों, अगर हमारे साथ आई हैं इतनी अच्छी क्रिकेटर, तो क्यों ना हम इनसे बैटिंग और बॉलिंग की कुछ टिप्स ले लें? हाँ ज़रूर, आप आज हमें कुछ टिप्स देंगी ना? जी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अब आप ज़रूर गौर से देखिएगा, क्योंकि आयजा आप हमें बहुत अच्छी टिप्स देने लगी हैं, स्पेशली क्रिकेट लवर्स। पहले बैट को ग्रिप करने के लिए दोनों हाथ जोड़ के रखने पड़ते हैं, टाइटली, और उसके बाद बैट को अपने फर्स्ट पाँव के पीछे रखना पड़ता है। अच्छा, और ये वाली साइड बॉलर के फेस की तरफ होनी चाहिए। और जो बॉल थ्रो होती है तब क्या करना चाहिए? जब बॉलर अपना हाथ उठाए तो आपको अपना बैट स्टेडी रखना चाहिए। अच्छा, और शॉट कब मारनी चाहिए? जब बॉल आए तो उसे आराम से स्ट्राइक कर देना चाहिए। दोस्तों, मुझे क्रिकेट खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन अब आप ही को देख के मुझे भी शौक हो रहा है। मुझे शौक क्यों नहीं था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम थोड़ी सी टिप्स ले लेते हैं। जी, वैसे आप ही, अब आपके पास हमारे लिए और कोई टिप है जैसे बॉलिंग की? बॉल को पकड़ने के लिए पहले अपना हाथ ऐसे दो उंगलियों के बीच बॉल को रखना चाहिए, और अगर आपको फुल आर्म बॉलिंग करानी है तो आपको पूरा घुमाकर ऐसे मुंह के सामने से आपने बॉल को छोड़ना है ताकि वो आगे पिच पे जाए। अच्छा, फास्ट बॉल के लिए आपको हाथ बेंड करना है, और अगर स्पिन इन करनी है तो ऐसे करना है, स्पिन आउट करना है तो ऐसे करना है। क्या मैं भी आपके साथ आके प्रैक्टिस कर लूँ? श्योर। और हम ज़रा ध्यान से शॉट मारना शुरू कर देना। अच्छा, पता है मुझे भी। पहले हाथ घुमाना है जी, और यहाँ से मुंह के सामने से बॉल छोड़ना है ऐसे, फास्ट बॉल के लिए इस तरह। ओके, सीधी बॉल। वैसे दोस्तों, आज हमें कितनी अच्छी टिप्स मिल रही हैं, और हाँ, इनको फॉलो ज़रूर करना, और प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। वैसे मेरा एक और भी सवाल है आप ही, ये LBW क्या होता है? LBW का मतलब है लेग बिफोर विकेट। तो क्या आप हमें थोड़ा सा टिप्स दे सकती हैं कि हम बैट्समैन को LBW से कैसे बचना चाहिए? जी हाँ, LBW से बचने का तरीका ये है कि अपने पैड से पहले, जो आपने टांग पे पहना होता है, उससे पहले आपको अपना बैट आके लाना चाहिए ताकि बॉल पहले बैट को टच करे, पैड को नहीं। अब हमें एक्सरसाइज सिखाने आई हैं ईमान। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। तो आज आप हमें क्या सिखाएंगी? आज जो मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगी ना, वो आपकी फुल बॉडी के लिए है, आपके मसल्स, जॉइंट्स, और जैसे कि बच्चों के पैरों में दर्द होती है, सर वगैरह में, हाथों वगैरह के लिए, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पेशली फुटबॉल या क्रिकेट। ईमान, क्या आज हम भी आपको ज्वाइन करें? हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइजेस करने लगे हैं, वो हमारे फुल बॉडी पार्ट्स के लिए हैं, और आप ये जरूर करना। चले शुरू करते हैं।
एक्सरसाइज है वो हमारे शोल्डर्स के लिए और हैंड्स के लिए बहुत अच्छी है। चलें शुरू करते हैं। ये हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे बहुत बच्चों के पैरों में बहुत दर्द होती है ना, इससे आपके पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होगी। चलें शुरू करते हैं। है बस इसमें आपने अपनी टांगे ही हिलानी है, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा। चलें शुरू करते हैं। जंप्स भी कर ले। आइजा आपी, आपने भी हमें बताना था हम में से सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैंने की होगी ना। मैंने मेरे हिसाब से तीनों ने बहुत अच्छी की। मैं एक बताएं मैंने की होगी देख लेना। मेरे ख्याल से मिनाल ने ज्यादा अच्छी। यस यस। अब मिलते हैं अपनी मेहमान से जो है जान दोस्त क्लब की मेंबर। आपने उनको बावर्ची बच्चे में भी देखा होगा जी। तो वेलकम करते हैं अलीजे को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अलीजे? मैं ठीक हूँ, और आप सुना आप लोगों का क्या हाल है? हम भी ठीक हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप लोगों का सेट तो बहुत प्यारा है, जैसे बावर्ची बच्चे का था ये भी उसी तरह का है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, अलीजे ने बावर्ची बच्चे में भी दो तीन शो तो किए थे, लेकिन अलीजे हम दोनों ने कभी साथ नहीं किया। हाँ, मेरा भी आपके साथ करने का बहुत दिल करता था। और मेरा भी, जब भी मैं आपका देखती थी मैं कहती थी मैंने भी अलीजे के साथ करना है। हाँ, और आपके शोज भी बहुत अच्छे जा रहे थे। अलीजे, बावर्ची बच्चे करते वक्त कोई मजे का वाकया हुआ? हाँ, बहुत मजे का हुआ था। हुआ ये कि जब मैं और दुआ गए थे तो हमने ना बिस्किट्स बनाई थी जिसमें हमने बेकिंग सोडा डाला ही नहीं था, और वो इतने हार्ड बने कि हमसे खाए नहीं गए। अलीजे, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं भी 5 में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई हैं और मैं एक अकेली बहन हूँ। तो बड़े हैं कि छोटे? वो मुझसे बड़े हैं। मतलब आप सबसे छोटी हो। मैं भी सबसे छोटी हूँ और सबसे ज्यादा लाडली भी। और मैं भी बहुत लाडली हूँ। आयजा भी, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं, मेरा एक भाई और एक बहन है। आप लोग आपस में लड़ते हैं या दोस्ती से रहते हैं? हम इतना नहीं लड़ते, लेकिन मेरी छोटी बहन ज़रा ज़्यादा लड़ती है। लड़ाई तो होती है बहन भाई में, सिर्फ भाइयों की वजह से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अलीजे की तरह शोज़ के मेहमान बनना चाहते हैं या बाकी शोज़ में काम करना चाहते हैं तो आज ही जान दोस्त क्लब में रजिस्टर करें। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अलीजे, आपको कौन सी गेम ज़्यादा खेलनी पसंद है? जैसे फ्रेंड्स के साथ कभी खेलते हैं मेहमान मेहमान, टीचर टीचर, पकड़न पकड़ाई, हाइड एंड सीक, और भी बहुत सी गेम्स होती हैं, बर्फ पानी। मुझे तो हाइड एंड सीक और मेहमान मेहमान खेलने का बहुत शौक है। अलीजे, वैसे अगर आप टीचर टीचर खेलो तो आप टीचर बनती हो क्या स्टूडेंट? मैं तो कभी टीचर तो कभी स्टूडेंट। मैं हमेशा टीचर बनती हूँ क्योंकि डांटने का बहुत मजा आता है। वो तो तुम्हें देख के ही लगता है। अच्छा ऐसा भी, आपने कभी टीचर टीचर खेला है बचपन में? हाँ, मैंने खेला है।
आपको पता है दोस्तों मेरे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, इनविजिबल स्टूडेंट्स। मैं तो स्टूडेंट्स की जगह टेडी बेयर्स रख देती हूँ। लेकिन मैं अपने पेपर्स की तैयारी ऐसे करती हूँ, मुझे ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, मैं टीचर टीचर खेलती हूँ और सारा याद कर लेती हूँ। अहम, वैसे तुम कुछ भी नहीं खेलते घर में? नहीं, मैं भी वीडियो गेम्स खेलता हूँ। एक तो ये सारे लड़के वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि इनको तो बहुत पसंद है। जी नहीं, हम तो डिफरेंट गेम्स खेलते रहते हैं, एक ही चीज़, थकते नहीं हो? रोज़ मैं घंटे से ज़्यादा फुटबॉल भी खेलता हूँ ताकि मेरी फिटनेस मेंटेन रहे। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी खेलना चाहिए। तो दोस्तों अब खेलते हैं यहाँ पर बैठे बैठे ही एक गेम जिसका नाम है टंग ट्विस्टर। देखते हैं किसकी जबान सबसे तेज चलती है। हमारे पास कुछ जुमले हैं, आपने बगैर अटके उन्हें जल्द अज जल्द बोलना है और बार बार रिपीट भी करना है। पहला मैं बताती हूँ, ये तीन दफा बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पहले मैं बोलती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मैं तो जीत गई। अलीजा आप करें। पीतल के पपीते में, पीतल के पतीले में, पीतल के पतीले में पपीता पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीला पीता। आयजा आप ही, अब आपकी बारी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला अब मैं मुश्किल वाला दूंगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसको बोलना है 10 दफा। अलीजा आप स्टार्ट करो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 पक्का पापड़, कच्चा पापड़। आयजा आपकी, अब आपकी बारी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पापा। लीजा आपने बोला है 6 times। बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब मैं बोलती हूँ। द सिक्स सिक शीप इज सिक। लीजा पहले बोलो। The sick, sick, sick. The sheep is sick. The sick, 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 sick. Out, out. बस आज आप ही की बारी। The sick, sick, sick is sheep. क्या? वैसे आपस की बात है, जब हम खुद अटक रहे हैं तो उनसे भी तो नहीं ना बोला जाएगा। सही बात है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेते हैं एक नन्ही मुन्नी सी ब्रेक। तो देखते रहें। सुबह मुबारक। ना द विजर्ड ऑफ ऑज देखी, क्योंकि वो मैंने पूरी नहीं देखी हुई, लेकिन अब मैं जरूर देखूंगी। जब वो बाहर निकलती है घर से तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह होती है। वो डरी भी होती है लेकिन उसको जगह भी अच्छी लग रही होती है। और हमारा जूली बॉक्स रेडी है। वाओ, वेलकम बैक दोस्तों। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बच्चों का अपना मॉर्निंग शो सुबह मुबारक। और अभी हम बैठे हुए हैं अपने रीडिंग कॉर्नर में। हमारे साथ है आयजा अपी और अलीजे, जान दोस्त क्लब की मेंबर। जी तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा बुक रीडिंग कॉर्नर? बहुत अच्छा। और ये ट्री भी, कितनी सारी बुक्स हैं और आज तो मूवी भी है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी तो दोस्तों, हम लोग आज कोई बुक रीड करें या फिर कोई मूवी के बारे में पढ़ें? मूवी मूवी मूवी। तो आपको किस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं? हॉरर या फैंटेसी? तो क्यों ना द विजर्ड ऑफ ऑज देखी, क्योंकि वो मैंने पूरी नहीं देखी हुई, लेकिन अब मैं जरूर देखूंगी। ठीक है, ओके, मैं ले आता हूँ। तो जीते दोस्तों, आज इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगी, वो है द विजर्ड ऑफ ऑज। मैंने तो पूरी देखी है, क्या आपने देखी है? मैंने देखी है लेकिन आधी, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज मैं आपको इस मूवी के बारे में बताऊंगी, लेकिन सारी मूवी नहीं, वरना तो कोई सस्पेंस ही नहीं रहेगा। और दोस्तों आपको पता है, पहले तो ये ब्लैक एंड वाइट होती थी और अब तो इसमें इतने डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। और तो और ये 20th century की 100 best मूवीज में से एक मूवी है। मुझे तो ये कोई फैंटेसी मूवी ही लग रही है। हाँ, ये फैंटेसी मूवी ही है। और आप सोचिए कब बनी थी? 1993? नहीं, 1939 में बनी थी ये मूवी। इतना पहले? हाँ, तब तो हम थे भी नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब तो ये कलर्ड में ही है और बहुत मजे की है, आप जरूर देखिएगा।
तो दोस्तों आप इस बच्ची को देख रहे हैं ना, और इस बच्चे का नाम है डोरेथी और ये एक गांव में रहती होती है। और एक दिन उस गांव में बहुत तेज टोर्नेडो आ जाता है और वो बच्ची का घर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जबकि गांव के सारे घर उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो सबको हेलो कर रही होती है। बाकायदा एक साइकिल पे एक बंदा साइकिल चला रहा होता है और वो भी हवा में उड़ जाती है, और गाड़ियाँ भी, और वो सबको देख के हेलो भी कर रही होती है लेकिन थोड़ी बहुत डरी भी होती है। और एकदम वो कहाँ पहुँच जाती है सोचे? आसमान पर। आप बताएं? एलिजा आप बताओ? एक जादुई दुनिया में। हाँ बिल्कुल सही, वो पहुँचती है परिस्तान में। जब वो बाहर निकलती है घर से तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह होती है। वो डरी भी होती है लेकिन उसको जगह भी अच्छी लग रही होती है, और बहुत सारे बूने होते हैं जो उसका वेलकम करते हैं गाना गाकर। तो क्यों ना पहले हम वो गाना देखें जिसपे वो उसे वेलकम करते हैं। जी तो चलें फ्रेंड्स, आपको भी वो सॉन्ग सुनाते हैं। कितने मजे का सॉन्ग था ना जी। और इस मूवी में और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें आगे भी बताओ, इतनी मजे की स्टोरी लग रही है, अब हमें सस्पेंस में नहीं छोड़ सकती। ठीक है ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो उन बोनों को कहती है कि मुझे मेरे घर वापस जाना है, मतलब उसके गांव। वो कहते हैं तुम्हें इस येलो पाथ पे जाना है, बिल्कुल ऐसा येलो कलर जिन पे तुम लोग बैठे हो। वो उस रास्ते पर चलना शुरू कर देती है और उससे अपना घर बहुत याद आ रहा होता है, और वो हमेशा यही कहती रहती है, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। और पता है उसे वहाँ पर क्या मिलता है? एक शेर मिलता है। तो वो शेर सबको खा नहीं जाता? नहीं नहीं, वो बहुत फ्रेंडली होता है। और पता है उसका फेस बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह होता है, लेकिन बाकी वो शेर की तरह होता है। और उसको एक और भी फ्रेंड मिलता है, वो आयरन से बना होता है। आयरन मैन? हाँ कुछ आयरन मैन से मिलता जुलता लेकिन कुछ डिफरेंट। और पता है उसकी एक फनी बात, वो चलते चलते उसको कभी कभार जंग लग जाता है, तो फिर उसके लिए उसने थोड़ा सा कोई ऑयल टाइप चीज़ रखी होती है जो उस पर डाले तो फिर वो चलना शुरू होता है। और पता है उसको फिर एक और फ्रेंड मिलता है जो घास से बना होता है। ओह आई सी, स्केयरक्रो। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ही स्केयरक्रो ही है। और दोस्तों आपको स्केयरक्रो का पता है ना, जो खेतों में भी खड़ा होता है ऐसे करके। हाँ हाँ, गांव में खेतों में होता है। तो वो भी उसका फ्रेंड बन जाता है। और पता है उसको रास्ते में आग भी लग जाती है, लेकिन वो उसको बहुत मुश्किल से बचा ही लेते हैं। वो कैसे? तो फिर आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा ना। और पता है फिर क्या होता है? फिर वो चारों चल पड़ते हैं और रास्ते में बहुत से सॉन्ग गाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाया भी है। फिर उसमें जाना कहाँ होता है? उसको बोनो ने बताया होता है कि आगे जाकर आपको एक महल नजर आएगा, महल पे रास्ता ख़त्म होगा और महल के अंदर एक बलून होगा, एयर बलून, और उसमें बैठकर आप वापस अपने गांव में चली जाओगी। एयर बलून, मैं भी उसमें बैठना चाहूँगी। और मैं भी बैठी हुई हूँ एक दफ़ा। अच्छा तो बताओ वो अपने घर पहुँचती है कि नहीं? फिर थोड़ा सा सस्पेंस भी तो रहना चाहिए ना। वो आप मूवी देखकर ही देखना, और फ्रेंड्स आप भी ये मूवी देखना, ये बहुत मज़े की है। और आप हमें इसका फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है। और अगर आपने कोई और भी मूवी देखनी है या सुननी है तो हमें ज़रूर फीडबैक देकर बताएं। तो कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की स्टोरी है। मैं तो घर जाके पूरी देखूंगा। और मैं भी। तो बताएं उसके कितने दोस्त थे? तीन। अच्छा और कौन कौन से? स्केयरक्रो, शेर, आयरन मैन। हाँ टाइप ऑफ आयरन मैन, बिल्कुल सही। तो ये बताएं कि इसमें कौन सी चीज थी जो डोरेथी को तंग करती थी? विजेट, बिल्कुल सही। तो ये बताओ बोनो को डोरेथी ने क्या नसीहत दी थी? कि वो एयर बैलून में बैठे और उधर से वो अपने घर पहुंच जाए। बिल्कुल सही। लेकिन एक और भी दी थी कि वो येलो पाथ पे, येलो पाथ पे जाए और महल जाए, वहाँ से वो एयर बैलून पर बैठ के अपने शहर में जा सकती है। बिल्कुल सही। बोनो ने उन्हें कहा था कि आपने खाली येलो पाथ पे चलना है, अगर कोई भी मोड़ आए तो उस पर नहीं जाना।
क्योंकि जो रास्ता मंजिल तक जा रहा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप मंजिल तक पहुंच ना जाएं। सही बात है ना दोस्तों, कितनी अच्छी एडवाइस। अच्छा दोस्तों, तो आप ये बताएं ये फिल्म कब बनी थी? मैंने आपको ये शुरू में बताया था जी। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये थी हमारी आज की स्टोरी। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आपने हमें ये फीडबैक देके बताना है। चलें फिर आज हम आपको मनाल आपी से कुछ मजे का बनाना सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? हम बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं आयजा? बिल्कुल ठीक। मनाल आपी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? आज आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? स्ट्रॉस। हम स्ट्रॉस से बहुत कुछ बना सकते हैं और आज हम स्ट्रॉस से बना रहे हैं ज्वेलरी बॉक्स। वाओ, एक सेकंड रुके, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने भी बनाया। वाओ, बहुत प्यारा है। दोस्तों ये देखें, इसका मतलब है कि आप लोग सब पसंद कर रहे हैं और मिनाल ने तो बहुत अच्छी एफर्ट की है, क्यों ना हम इसे यहाँ पे डिस्प्ले करें। और ये देखें, मैंने एक पेंसिल होल्डर भी बनाया, ये भी बहुत प्यारा है। दोस्तों देखें कितना प्यारा है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। आयजा आपी, आपको भी वैसे ऐसा कोई शौक है, आप भी घर पे ऐसी चीजें बनाती हैं? हाँ मैं बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। दोस्तों ये देखिए, हमारी वॉल पे कितने कलर्स आ गए एकदम से। कितना अच्छा लग रहा है। मैंने जो बनाया है। अब हम अपना ज्वेलरी बॉक्स स्टार्ट करते हैं। ज्वेलरी बॉक्स आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, अगर आप हार्ट शेप में बनाना चाहें मोस्ट वेलकम, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, किसी भी शेप में। आज हम स्क्वायर शेप में बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें स्ट्रॉस चाहिए होंगे और स्ट्रॉस हमें कटिंग्स चाहिए हमें स्ट्रॉस की इतने साइज़ की। ये ऑलमोस्ट 1.5 इंच टॉल हैं, ठीक है। हमने 1.5 इंच टॉल स्ट्रॉ को काट के एज अ रेफरेंस यूज़ किया था और फिर स्ट्रॉ को हमने इस तरह से इस साइज में काट लिया था। ओके, ठीक है। इस तरह से आप एक स्ट्रॉ में से ऑलमोस्ट 4 to 5 पीसेस आराम से काट सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे। बेस को रेडी करने के लिए हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। ग्लू गन को आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है क्योंकि आपका हाथ बहुत जल्दी जला सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लू गन से ग्लू हम स्ट्रॉ के इसका नॉर्मल ग्लू से नहीं लगा सकते? नहीं, इसका नॉर्मल ग्लू से हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसको स्टिक करना होता है और इसकी अगर हम नॉर्मल ग्लू इसके लिए यूज़ करेंगे तो वो स्टिक नहीं होगा, ठीक है। मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए सिंपल ग्लू यूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि वो सब पेपर था। अब हम स्ट्रॉ से काम कर रहे हैं तो स्ट्रॉ नॉर्मल ग्लू से नहीं लगता, ठीक है। सेकंड पीस को भी हम इसी तरह ग्लू लगाएंगे, इस तरह से स्टिक करेंगे। मैंने अभी एक चीज़ नोट की है, जब आप ग्लू लगाती हैं तो एक स्मोक सा निकलता है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपने बहुत केयरफुल रहना है इससे काम करते हुए। फ्रेंड्स, आपके घर में बहुत सारे पुराने स्ट्रॉस पड़े होंगे और आप उनको इस तरह से काट के इस्तेमाल में लाएं और नई से नई चीज़ें बनाएं। हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर्स की भी, स्ट्रॉस की और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके लिए हम कॉमन पेपर यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम चार्ट पेपर यूज़ करेंगे। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, हमारे ज्वेलरी बॉक्स की एक साइड रेडी हो गई है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ स्ट्रॉज आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ इसकी बेस पे ग्लू लगाई थी और इसके टॉप पे ग्लू नहीं लगाई थी। अब हम कहीं कहीं इनको टॉप पे भी ग्लू लगाएंगे ताकि ये आपस में भी स्टिक कर जाएं। बहुत एहतियात से आपने ग्लू लगानी है और बहुत थोड़ी। आपको समझ आ रही है मिनाल जी? अब मैं इंतज़ार करूंगी कि किस दिन आप अपना ज्वेलरी बॉक्स बना कर लेके आएंगी। मैं जल्दी बनाऊंगी और मुझे तो ये इजी भी बहुत लग रहा है। बहुत इजी है। फ्रेंड्स देखा आपने, हमने इसके टॉप पे भी ग्लू लगा दी है, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड साइड स्टार्ट करेंगे। अगर हम बड़ा बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है? बिल्कुल, आप उसमें बड़े स्ट्रॉस को यूज़ कर सकते हैं।
उसके लिए आपको बड़ी बेस चाहिए होगी। मैंने तो छोटा सा सर्कल काट स्क्वायर काटा है, आप बड़ा स्क्वायर काट सकते हैं। मैं तो ये इमेजिन कर रही हूँ कि जब ये वाले स्ट्रॉज लगेंगे तो ये कितना प्यारा लगेगा, उसके अंदर बहुत से कलर्स आ जाएंगे ना, बहुत प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स आप देखें, हमारी दूसरी साइड जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको कलर स्ट्रॉज के साथ भी बेस बना सकते हैं ना? बिल्कुल। हमारी बेस तो बन चुकी है मनाल आपी, अब हम क्या करेंगे? हमारी बेस बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके लिड तैयार करने के लिए सेम साइज का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम स्ट्रॉज यू रखेंगे, हम मल्टी कलर की क्योंकि इसका लिड बना रहे हैं तो इसके ऊपर हम डिफरेंट कलर्स के स्ट्रॉज जो हैं वो रखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम ग्लू लगाएंगे पेपर पर, और जो स्ट्रॉ का ये स्प्रिंगी पार्ट होता है इसको अवॉइड करें लगाने से, और प्लेन पार्ट को लगाएं। अब हम सेकंड कलर का स्ट्रॉ लेंगे, थर्ड कलर का, आप चाहें तो आप सिंगल कलर से भी लिड बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बेस वाइट थी इसलिए हमने मल्टी कलर्स जो हैं वो चूज़ किए। आप अगर चाहें तो आप इसमें वाइट भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। आयजा भी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पर्पल। वाओ, पर्पल बहुत प्यारा कलर होता है और मेरी बहन को भी पर्पल ही पसंद है। दोस्तों ये देखिए, अब हमारा लिड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब हमने जो एक्सेस स्ट्रॉज हैं यहाँ से इनकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के लिए हमें एक सीज़र यूज़ करनी पड़ेगी। सीज़र आपकी थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए और बहुत एहतियात से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, जो एक्सेसिव स्ट्रॉज हैं आप उनको कट कर देंगी, ठीक है। मेरे मुताबिक इससे शेप में नीटनेस आएगी। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और हमारा जूली बॉक्स रेडी है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। सही कहा। थैंक यू। हाँ, बहुत इजी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि घर पे जो हमें दोस्त देख रहे हैं वो भी ये बनाएंगे, और जो लड़कियाँ हैं वो इसमें अपनी ज्वेलरी रखेंगी, अपनी बहनों को या अम्मी को गिफ्ट करेंगी, और लड़के इसके अंदर अपने स्पिनर्स रख सकते हैं या और जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं वो रख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने भी ज़रूर बनाना है क्योंकि ये बहुत इजी है। तो दोस्तों अब हम लेते हैं एक ब्रेक, और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद होंगी बहुत सी गेम्स, तो देखते रहिए सुबह मुबारक। सुबह मुबारक। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइश के। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम खेलेंगे अब बहुत सी गेम्स, तो आप रेडी हैं ना? और अलीजे, ईमान, आप दोनों भी रेडी हैं ना? हाँ, रेडी हूँ जी। तो अरहम, आप हमें गेम समझाएं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा हमारी गेम का सेटअप है। एक तरफ है कॉटन बॉल्स, दूसरी तरफ है पेट्रोलियम जेली। आप दोनों ने अपनी नोज की टिप को इस पेट्रोलियम जेली में डिप करना है, और उसके बाद इन कॉटन बॉल्स को अपनी नाक से चिपकाना है। उसके बाद आपने हाथ को इस्तेमाल किए बगैर अपने हाथों को अपने पीछे रखना है और कॉटन बॉल्स को यहाँ से यहाँ रखना है। जिसकी 2 मिनट में सबसे ज़्यादा बॉल्स होंगी वो विनर होगा। ये तो बहुत मज़ेदार गेम लग रही है। तो क्यों ना हम टीम्स बना लें? जी जरूर। मैं और अलीजे। मैं और ईमान। ठीक है, तो पहले अलीजे और ईमान कर लेते हैं। चलें, ठीक है। तो आप दोनों अपने हाथ पीछे कर लें। जी, तो गेम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। अलीजे, अलीजे, यू कैन डू इट। अलीजे, 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 यू कैन डू इट। हाथ
चले जाएंगे। क्या मतलब? मैं बाल पीछे गई थी, मेरे बाल आगे आ रहे थे। ओके लेट्स काउंट, दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। अब मिनाल और अरहम की बारी है, अब देखते हैं कौन सबसे ज्यादा करता है। मैं जीतूंगी इंशाल्लाह। नहीं अरहम जीतेगा। नहीं मिनाल जीतेगी। चले ठीक है, 1 2 3 गो। मिनाल 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 जी। तो फ्रेंड्स यकीनन आपको बहुत मजा आया होगा। आप देख रहे होंगे मेरा फेस बहुत ऑयली हो चुका है क्योंकि अलीसा मेरा सर पकड़ के इधर उधर मार रही थी। मैं मार नहीं रही थी, मैं जिताना चाह रही थी। मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो लेकिन हमने बहुत ही ट्राई किया, हार जीत तो होती रहती है। जी तो फ्रेंड्स अभी एक और मुकाबला रहता है और वो मुकाबला है हुला हूप स्ट्रिंग के मैक्सिमम राउंड का, जिसमें तो मैं और मिनाल जीतेंगे क्योंकि मिनाल और मुझे बहुत अच्छा करना आता है। किस किस को करना आता है? मुझे हैंड वाला आता है और नेक वाला भी। नहीं वो भी ट्राई करना बहुत इजी है, ट्राई करूंगी। तो चलें फ्रेंड्स आप भी देखें। तो दोस्तों अब ये तीनों लड़कियां बारी बारी करेंगी हुला हूप, इनमें से जो भी सबसे ज्यादा टाइम तक करेगा या सबसे ज्यादा स्पिन्स करेगा वो जीतेगा। इनके पास होंगी 3 बारियां। अगर आपका हुला हूप 2 बार गिर भी जाता है पर तीसरी बार अगर वो गिरे तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाती हैं क्योंकि आपके पास हैं 3 बारियां। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मनाल से, तो आए मनाल शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
गुड बहुत अच्छा किया अब मेरी बारी ओके सो अब है जी तो फ्रेंड्स अब अलीजे की बारी शॉट 79 मनाल का 39 अलीजे का और अब ईमान का देखते हैं वो क्या करती है तो ईमान की बारी आती है 1 2 3 स्टार्ट बेस्ट ऑफ लक 1 2 3 जीतो हां दोस्तों मनाल के लिए ढेर सारी तालियां क्योंकि वो फर्स्ट रही है वैसे मुझे अभी याद है मनाल तुमने पहले कहा था कि तुम्हें बड़ी अच्छी सिंगिंग आती है हां मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है हमें तो यकीन नहीं आ रहा क्यों भाई हाँ आ रहे हैं लेकिन सिंग करके दिखाओगी तो सिंग करके दिखाओगी तभी हम यकीन करेंगे चलो तब सिंग कर जी चलो ना ठीक है मेरे पास है एक मिली नगमा एक नहीं है वो तीनों मिक्स हैं लेकिन वो बहुत मजे के मैं अब सुनाती हूँ चलें जी शुरू इस चमन के फूलों पर रंगों आप तुमसे है इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है ये फिजा तुम्हारी है बहरों पर तुम्हारे है कहकशां के ये जाले राह गुजर तुम्हारे है ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बास के ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा ख्वाइस के दोस्तों मुझे तो ईमान और अलीजे के साथ बहुत मजा आया आई साहब की सभी हमने बहुत सी बातें की लेकिन उन्होंने मैच खेलना था इसलिए फिर वो चली गई और हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया लेकिन हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनके मैच के लिए जी बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक तो जी तो दोस्तों अब हमें चाहिए आपकी इजाज़त आप जाइए स्कूल और हम करते हैं अल्लाह हाफिज़ तो जी तो हाँ दोस्तों कल हम आएंगे फिर एक नए मेहमान के साथ और करेंगे ढेर सारी मस्ती तो देखते रहिए सुबह मुबारक सुबह मुबारक हो सुबह मुबारक सुबह मुबारक सुबह मुबारक सुबह मुबारक हो सुबह मुबारक सुबह मुबारक सुबह मुबारक अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सादून और मैं हूं आपकी होस्ट दुआ और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक अली भाई आप स्विमिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं सुने आप डिबेट्स भी करते हैं या आई आल्सो डू डिबेट्स आई आल्सो प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट दोस्तों आप भी देखिए आज हम ये खूबसूरत सा फ्लावर बनाना सीखेंगे जो कि देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है जल्दी करो हमजा जल्दी क्या करो उसको